प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी एस सेकेंड ईयर की थर्मोडाइनमिक्स और आज हमारा ये एट्थ लेक्चर है हमने आपको बताया था एक कमिटमेंट की थी कि टोटल सिलेबस आपका पढ़ाना है आज का लेक्चर जो है हमारा रहेगा केलिविन थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर केल्विन थर्मो स्केल ऑफ पहले बच्चों ये एक नई स्केल है टेम्परेचर की आपने सेल्सियस स्केल फॉरनाइट स्केल्स काफी पढ़ी हैं लेकिन केल्विन ने कार्नोट इंजन की जो हमने एफिशिएंसी पढ़ी थी उस पर आधारित उसी फैक्ट को यूज़ करके एक नई स्केल डेवलप की थी जिसे केल्विन स्केल वर्क स्केल या फिर एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं इस आर्टिकल पर बहुत बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है तो शुरू से आखिर तक इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए देख लीजिए समझ लीजिए और अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए देखिए पिछले लेक्चर में हमने एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पढ़ी थी उसी को लेकर के हम आगे चलते हैं यानी कि दी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय देखिए प्यारे बच्चों क्या थी एफिशिएंसी आप जानते हैं वन माइनस टी टू अपॉन टी वन दिस इज दी एफिशियंसी द एफिशियंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ दोर्स एंड सिंक इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दी वर्किंग सबस्टांस इसी फैक्ट को यूज करके कैलिविन ने एक नई टेम्परेचर की स्केल डिवलप की यानी कि मैं जो बात यहां कहना चाह रहा हूं कि द एफिशियसी Of Carnot engine depends on the temperature of source and sink, and it does not depend. डिपेंड ऑन दचर ऑफ वर्किंग सब्सटांस तो प्यारे बच्चों देखिए कि ये सोर्स का टेम्परेचर है और ये सिंक का टेम्परेचर और जो एफिशिएंसी है इन्हीं दोनों पर डिपेंड करती है नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पर ये डिपेंड नहीं करती लॉर्ड कैलविन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं इस फैक्ट को यूज किया इसी फैक्ट को कि भाई एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर डिपेंड करती है और वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर नहीं करती इसी फैक्ट को यूज करके एंड गिव केल्विन स्केल इसे हम केल्विन स्केल कहते हैं या फिर इसे हम वर्क स्केल के नाम से भी जानते हैं वर्क स्केल और एब्सोल्यूट स्केल तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने देखा कि ये जो हमारी एफिशिएंसी है ये एक तरह से ये फंक्शन हो गई है थीटा वन एन थीटा टू क्योंकि तो ये इन्हीं के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी और ये जो थीटा वन और थीटा टू आप देख रहे हैं दीज आर दी टेम्परेचर ऑन ऑफ सोर्स एंड सिंक इन न्यू स्केल वीयर मैं लिख भी देता हूं यहां पर वीयर थीटा वन एंड थीटा टू आर देंपरेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑन न्यू स्केल और वैसे अब आप देखिए हम एक और बात भी जानते हैं कि जो एफिशिएंसी होती है हीट की टर्म में अगर हम देखें तो ये हो जाएगी Q2 टू बाई क्यू वन वेयर क्यू वन इज द अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम दोर्स एंड क्यू टू इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू दिंक आफ्टर डूइंग सम वर्क तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ये देखिए Q2 divided by Q1, it is equal to minus efficiency. ये देखिए, हमने इसको इसको में में लिया और और right तो आ गया। और efficiency हम पहले ही जानते हैं, यहां से देखिए, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू वन माइनस एफ थी ये देखिए इसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं जैसे Q1 वन बाई क्यू टू इट विल बी इक्वल टू आप देख सकते हैं इसको हम जब दोनों तरफ से हमने इसको रिवर्स किया है तो इट विल बी इक्वल टू वन माइनस एफ थिट्टा वन थीट्टा टू और इसे हम कह देते हैं कि ये जो है थीटा वन थीटा टू का फंक्शन होगा यानी कि एक तरह से इट इज ए न्यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो प्यारे बच्चों आपने यह देख लिया Q1 वन बाई क्यू इसके बराबर आ गया अब हम एक और बात करते हैं एक और कार्नोट इंजन कंसिडर कर लेते हैं लेट अस सपोज दैट कंसिडर इस स्केल को समझने के लिए हमें यह करना होगा कंसिडर ए न्यू कारनोट इंजन वर्किंग बिटवीन थिट्ठा टू एंड थिटा थ्री इन दोनों के बीच में तो फिर ये इस इसी टाइप से अगर इन्हीं स्टेप्स को हम रिपीट करते हुए चलें तो हम यहाँ लिख पाएंगे कि क्यू टू बाई क्यू थ्री इट विल बी इक्वल टू एप थीटा टू थिट्टा थ्री इस टाइप से और एक और बात मान लेते हैं सपोज कीजिए हमारे पास एक और कारनोट साइकिल है कार इंजन है जो थिट्टा वन और थिट्टा थ्री टेम्परेचर थिट्टा वन सोर्स का टेम्परेचर है और थिट्टा थ्री जो है वो सिंक का टेम्परेचर उनके बीच में काम कर रहा है तो इसको हमने इक्वेशन में सपोज कीजिए इक्वेशन नंबर हमारी टू है और ये इक्वेशन नंबर हमारी थ्री है इफ वन मोर कारनोट इंजन इसको समझना एक बार इंजन वर्किंग बिटवीन थिट्टा वन एंड थिट्टा थ्री टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक रिस्पेक्टिवली वन बाई क्यू थ्री इट विल भी इक्वल टू इसको हम लिख पाएंगे एफ थिट्टा वन थिट्टा थ्री ये है इक्वेशन नंबर हमारे पास फोर अब इन दोनों को अगर हम इस तरह से लिखें जैसे ये है और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ये देखिए Q1 वन बाई क्यू टू मल्टीप्लाई बाई क्यू टू बाई क्यू थ्री क्योंकि Q2 से Q2 तो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गई है और ये चीज देखिए इन इक्वेशंस को अगर हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर इन तीनों इक्वेशंस को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि ये देखिए ये किसके बराबर है एफ थिट्टा वन थिट्टा थ्री ये देखिए क्यू वन क्यू थ्री इसी के बराबर है और ये क्यू वन बाई क्यू टू ये किसके बराबर है एफ थिटा वन थीटा टू मल्टीप्लाई बाय एफ थी टू और थीटा थ्री थे। प्यारे बच्चों ये देखिए ये इक्वेशन नंबर फाइव हमारी बन गई और ये इक्वेशन इस तरह से ये तभी सेटिस्फाई होगी देखिए इक्वेशन फाइव इज सेटिस्फाई ओनली या यूं कहिए टू सेटिस्फाई इक्वेशन फाइव हमें इन फंक्शंस को किसी किस फॉर्म में लेना होगा वी टेक एफ वन ये जो फंक्शन है आप देख रहे हैं जैसे मान लो थिट्टा वन थिटा टू इस इन तरह के फंक्शन को हमें इस फॉर्म में लेना होगा थिट्टा वन बाई फाइव थिट्टा टू ये देखिए क्योंकि ऐसे लेंगे तो ही इस तरह से ये इसके बराबर होगा जैसे यहां आप देखिए इसको हम क्या लेंगे डिवाइडेड बाई फाइव थ्री टू इसको हम कैसे लेंगे फाइव थीटा वन डिवाइड बाई फाइव थिट्टा टू मल्टीप्लाई बाई फाइव थीटा टू ये देखिए यहां ये थीटा टू और डिवाइड बाई फाइव थीटा थ्री इस तरह से ताकि ये ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये तभी सेटिस्फाई होगा और यहां पर ये जो फाइव थीटा वन है आप देख रहे हैं ये क्या ले रहे हैं ये हमारा सोर्स का टेम्परेचर हो जाएगा वर्क स्केल पर यानी वेयर फाइव थीटा वन इज टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ सोर्स ऑन कैलिविन स्केल कह दीजिए ऑन वर्क स्केल कह दीजिए और फाइव थीटा टू इसे हम ले रहे हैं टी टू इज देंपरेचर ऑफ सिंक एट या आप कह सकते हैं इसे ऑन कैलिविन स्केल और वर्क स्केल इस तरह से प्यारे बच्चों अब देखिए यही बात आप एफिशिएंसी की फॉर्म में तो हमारी जो एफिशिएंसी आ जाएगी दैट विल भीक्वल टू वन माइनस टी टू बाई टी वन तो प्यारे बच्चों अब हम ने अभी कैलविन थर्मोडोनिक स्केल के बारे में पढ़ा वर्क स्केल के बारे में पढ़ा जिस तरह से टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें कैलविन स्केल सेल्सियस स्केल उसी तरह से ये एब्सोल्यूट स्केल को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑन कैलविन स्केल स्केल और वर्क स्केल और एब्सोल्यूट स्केल के पर प्यारे बच्चों हमने पहले भी एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन किया है लेकिन इस स्केल पर अब हम देखते हैं हमने अभी देखिए एफिशिएंसी दो तरीके से निकाल दी इससे पहले अभी तो हमने क्या किया था ये एब्सोल्यूट स्केल पर जो एफिशिएंसी होती है वो ये है वेयर दिस इज द इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड टू इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑन केल्विन स्केल और इससे पहले हमने इन टर्म्स ऑफ हीट भी इसको पढ़ा था क्यू टू बाई क्यू वन अब आप अब आप देखिए इन दोनों ही अवस्था में अगर हम देखते हैं कि जो एफिशिएंसी है ये जीर, ये देखिए अगर हम हंड्रेड परसेंट हो जाएगी या वन हो जाएगी या हंड्रेड परसेंट हो जाएगी इफ टो टू इजिकल टू जीरो और Q2 टू इज टेकन जीरो देखो जब Q2 को जीरो कर दे तो ये एफिशिएंसी वन और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 परसेंट हो जाएगी या फिर T2 इन इस अवस्था में हमारा जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये देखिए तो यहाँ से आप स्टेटमेंट दे सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वर्क स्केल पर क्या लिखेंगे Absolute zero temperature is the temperature of the sink, is the temperature of sink at which the total.

इज ट्रांसफर टू सिंक सिंह को कोई हीट ट्रांसफर नहीं टोटल हीट जो सोर्स चली वो किसमें कन्वर्ट हो जाए वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर ऑन वर्क स्केल यानी एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर ऑन वर्क स्केल इज द टेम्परेचर ऑफ दिस sink at which total heat which is taken from the source is converted into the work that is the efficiency of the carnot engine become 100% but it is not possible magnitude of each division on work scale प्यारे बच्चों हमने वर्क स्केल के बारे में तो पढ़ लिया लेकिन जिस तरह से हमने डिग्री सेल्सियस जो स्केल थी उसमें हमने देखा था वन डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है हॉर्नाइट स्केल किसके बराबर है या फिर कैलिविन में वन डिग्री किसके बराबर है ऐसे हम देखना चाहते हैं कि वर्क स्केल के ऊपर या जो कैलिविन स्केल है इसमें एक डिग्री जो है एक जो डिवीज़न है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है उसके लिए प्यारे बच्चों हमें एक न, इंडिकेटेड डायग्राम जो है वो प्लॉट करना पड़ेगा किसी कार नोट साइकिल के लिए कंसीडर एक कार्नोट साइकिल हम एक कार्नोट साइकिल कंसीडर कर लेते हैं और ये वर्क किसमें कर रही है वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर बिटवीन टेम्परेचर ऑफ सोर्स Source uh, which is taken Boiling Point Boiling Point Point and Freezing Point. पॉइंट ऑफ वाटर यानी हम जानते हैं कि जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है किसी भी स्केल को जो हम डेवलप करते हैं दैट विल टेकन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड जो हाइस्ट पॉइंट होता है जिस पर अपर फिक्स पॉइंट होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ले लेते हैं तो सोर्स का टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया और जो सिंक का टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया इसके लिए अब हम क्या करेंगे एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ खींच लेते हैं या यूँ कहिए कि कार्नोट साइकिल प्लॉट कर लेते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं एक तरफ हम वॉल्यूम ले रहे हैं और एक तरफ हम प्रेशर ले रहे हैं और देखिए ये देखिए यहां से ए बी सी डी ये हमारी कार्नोट साइकिल है तो प्लॉट ए इंडिकेटेड डायग्राम फॉर ए कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन दी बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइड इट इनटू द हंड्रेड पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में बाय ड्राइंग दीज आइसोथर्मल ये देखिए इस तरह से इसे हंड्रेड डिवीजन कर दीजिए यानी कि डिवाइड कार्नोट करो या प्रेशर वॉल इंडिकेटर डायग्राम करो इनटू बाई ड्राइंग दीज आप यू कैन चे कर्स बाई ड्राइंग आई शो थर्मल आप देखेंगे कि ये ये देखिए ऐसी ये हंड्रेड छोटी छोटी यहां पर कारनोट uh, साइकिल्स uh, बन गई है मान लो इसका टेम्परेचर जो भी है और ये इसका टेम्परेचर टीटीच का इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वन डिवीजन के बराबर हो जाएगा वन डिग्री के बराबर हो जाएगा किसकी कैलविन थर्मोडाइनमिक स्केल के ऊपर यानी कि आप यही कहेंगे द डिफरेंस डिफरेंस इन टेम्परेचर सोर्स एंड सिंक विल बी इक्वल टू वन डिवीजन और one डिग्री ऑन on Kelvin स्केल और वर्क स्केल समझ गए प्यारे बच्चों सबसे पहले देख एक बार फिर सुन लीजिए हमने इस कैलविन थर्मोडामिक स्केल को प्लॉट करने के लिए इसको ड्रा करने के लिए बनाने के लिए हमने क्या किया स्केल को डेवलप करने के लिए हमने एक कार्नोट साइकिल ली दैट विल वर्क एट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक विच इज़ टेकन एज दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर को तो हम सोर्स का टेम्परेचर लिया और सिंक का टेम्परेचर हमने लिया जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर था और इसके ऊपर फिर हमने क्या किया एक कार्नोट साइकिल का कर्व जो है वो प्लॉट कर लिया ये इंडिकेटेड आईग्राम फॉर दैट कार्नोट साइकिल और उसको फिर हमने हंड्रेड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बाय ड्राइंग दीज आइसोथर्मल यानी कि इनको बराबर बराबर सो हिस्सों में बांट दिया ऐसे आइसोथर्मल कर्व्स प्लॉट करके अब ये एक तरह से देखा जाए तो हंड्रेड यहाँ पर कार्नोट साइकिल्स बन गई एक छोटी जो स्मॉल साइकिल है उसका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है दैट विल बी टेकन वन डिवीजन ऑन दिस वर्क स्केल और कैलविन स्केल तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने एक नई कैलविन थर्मोडोनिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया होगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स हमें कर सकते हैं और कोई सजेशन्स हो कमिंग वीडियोज़ के लिए कमिंग लेक्चर्स के लिए तो वो भी ज़रूर बताएं और अगर आपको पसंद आया है तो और दूसरे जो साथी हैं वो भी वेट कर रहे हैं आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं उनको भी आप ये भेज दीजिए इसका लिंक ताकि वो भी इन इस लेक्चर का फायदा उठा सकें और वो भी आपके आयशी फिजिक्स इस चैनल के बारे में जान सके तो प्यारे बच्चों इसी तरह हैं आप देखते रहिए और अपना लेक्चर अपना आर्टिकल फिजिक्स से संबंधित तैयार करते रहिए है। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद